और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले दिन पढ़ते ही मुझे आ गया था, मतलब मैंने जब पहली बार आर्टिकल पढ़ा इसी चीज का मुझे इतना डरावना लगा मैंने बंद कर दिया। मुझे मतलब जीएफजी पर आर्टिकल था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मतलब पता नहीं क्या था वो। ये सीक्रेट होता है जो लोग पूछते हैं कि रेड पहुंचने का सीक्रेट क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ उत्कर्ष गुप्ता है, ठीक है। उसको गूगल ने अप्रोच किया था फॉर एन इंटरव्यू एंड उसने गूगल क्रैक कर ली उसके बाद। उसके अलावा यार वो 7-स्टार कोडर है कोडशेफ पे और एक रेड कोडर है ग्रैंड मास्टर कोडफोर्सेस पे, एंड भाई वो टॉप 5 में आता है इंडिया में। तो समझ रहे हो कितना तो बंदा है। अब वो अपनी इनसाइट शेयर कर रहे हैं कि कैसे उसने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, गूगल ने उसको क्यों अप्रोच किया। उसके अलावा यार और एक जो सीक्रेट है टू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वो उसने बताया इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अब तक तुमने नहीं किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार उत्कर्ष। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बंदा अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट कैसे करे, मतलब ठीक है। अब इसमें 2-3 पार्ट्स हैं इसके। पहला कि डीएसए करना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव से पहले, या फिर सीधा बंदा सीपी स्टार्ट कर सकता है, तो दोनों का आंसर करते हैं। अच्छा हाँ, तो देखो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या है कि मतलब पहले तो प्रोग्रामिंग है उसको कॉम्पिटेटिवली कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, तो इसमें देखो कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब सिंपल सा। जैसे अगर तुमने मतलब अगर कॉलेज में एक कोर्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग या ऐसा कुछ, अगर वो अगर ठीक से कर रखा है तो दैट इज इनफ, इतनी प्रोग्रामिंग इनफ है। वो नहीं कर रखा है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, जैसे जावा सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो। वैसे मैं सी प्लस प्लस प्रेफर करूंगा, काफ़ी रीजन है उसके, यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा बताने में, तो वो कर सकते हो। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले तो सीख लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि मतलब डीएसए करना ज़रूरी है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि डीएसए करना ज़रूरी नहीं है। इसको मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे कि मतलब अगर किसी ने बैडमिंटन खेलना कभी सीखा हो तो उसको क्या करते हैं कि मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, एक रैकेट पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये लो इसको मारो शटल कॉक को, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं करते हैं ना, किसी को ऐसा थोड़ी ना सिखाया गया कि तुम लो ये स्मैश होता है, ये पुल होता है, ये टॉस होता है, और ये बैक हैंड फोर हैंड, ये सब नहीं सिखाते ना। तो ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसे जो सीपी हो गई ये कोई एक बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई टाइप की चीज़ नहीं है, इट्स लाइक अ स्किल। तो इसमें क्या है कि इसको हमें मतलब सीखना है, इसको पढ़ना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो यू कैन स्टार्ट देन देयर। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा डीएसए पढ़ो, इनफैक्ट अगर उल्टा करोगे कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पहले से सीपी की, तो उसके बाद जब डीएसए पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैंने डीएसए मतलब बहुत लेट पढ़ना स्टार्ट किया था, बट जब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, ग्राफ वगैरह सब एकदम ऐसे आधे घंटे में आर्टिकल कोई पढ़ लिया, जीएफजी का आ गया, 15 मिनट में आ गई चीज़, 20 मिनट में आ गई, तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है। अब क्वेश्चन था कि मतलब डे वन पे क्या कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। हाँ, तो उसमें यह है कि एक तो जैसे हैकर रैंक पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन है, उसके प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी हैं। तो जैसे अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रोग्रामिंग आती हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत वीक हो कि मतलब प्रोग्रामिंग भी हल्की फुल्की आती है, तो यू कैन गो टू द हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड। उसमें अलग अलग लैंग्वेज में है, मतलब अगर C++ में करना है तो हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड C++ करके कर लो, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखा देंगे और साथ में मतलब कि लैंग्वेज भी थोड़ी स्किल्स ब्रशअप होती चलेंगी, तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर थोड़ा लगे कि हाँ अब मेरा लेवल ठीक ठाक हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम जाओ कोडफोर्सेस पर, कोडफोर्सेस पर प्रॉब्लम सेट पर जाओ, और उसमें एक ऑप्शन होता है कि मतलब डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग यू कैन सॉर्ट इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि मतलब सारे इजी प्रॉब्लम्स पहले आएंगे। हाँ, तो उसके मतलब 10-20-30 क्वेश्चंस करो, तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक धीरे धीरे प्रैक्टिस बनने लगेगी, और उसके बाद आगे करते रहो और फिर डीएसए भी पढ़ते रहो, तो फिर सब इजी होता जाएगा धीरे धीरे। बट कई बार ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने कोई क्वेश्चन देखा तो तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि लाइक इसमें क्या यूज क्या करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, मतलब तुमने क्वेश्चन कर लिया एंड कॉन्टेस्ट में पार्ट कर लिया, अगर वैसे पढ़ लिया उसके बाद में उसका जो भी सॉल्यूशन, मतलब कहाँ से समझते थे फिर उस प्रॉब्लम को? तो पहले तो एक चीज मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो कभी भी मतलब अपनी लेवल के बहुत ज्यादा आगे मत जाओ कि ज्यादा अटको। तो मैंने हमेशा ही मतलब अब तो लाइक टॉप 5 इंडिया पहुंच गया हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमेशा मैंने इतने इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया कि मतलब उसमें अटकने के चांस बहुत कम हो, कि मतलब काफी ज्यादा इजी प्रॉब्लम से हमेशा मैंने स्टार्ट किया। तो एक तो ये चीज करो कि मतलब हमेशा इस लेवल पर रहो कि बहुत ज्यादा ना अटको, ठीक है। ऐसे 5 प्रॉब्लम में एक में अटक गए, 6 में एक में अटक गए, तो वो तो ठीक है। फिर जब अटक जाओ तो यू कैन जस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सीनियर्स, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन हु इज इनटू ऑल दिस, जो भी तुम्हें जान पहचान में हो। बाकी जैसे अगर कोड फोर्सेस हो तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब एडिटोरियल्स का एक सेक्शन होता है नीचे ट्यूटोरियल करके, उसमें यू कैन रीड अबाउट इट। और अगर कोई रीसेंट कॉन्टेस्ट हो तो आजकल यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग डाल देते हैं सोल्यूशन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे चैनल पर भी मैं वही करता हूँ, तो
मतलब अब तो और भी चीजें कर रहा हूँ बट इनिशियली मैं वही करता था. यू कैन चेक दैट एज वेल. और बहुत सारे लोग हैं, सेकंड थ्रेड हो गया, प्रियांश अग्रवाल, एरिक्टो, ये सब लोग यही करते हैं. तो यू कैन चेक दोज आउट एज वेल अगर रिसेंट. ठीक है, मतलब वही है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कहीं अटको तो फिर उसका सॉल्यूशन देख लो कहीं ना कहीं से, एडिटोरियल पढ़ लो एंड उस कॉन्सेप्ट को फिर सीख लो. मतलब अगर अटक लो तो कॉन्सेप्ट सीख लो एंड ऐसे लाडर अपना बढ़ाते रहो, ऊपर चढ़ते रहो और तुम चीजें सीखते जाओगे. और ये ध्यान में रखना है कि लाइक इतना ज्यादा कठिन पे मत स्टार्ट करो या इतना ज्यादा कठिन पे कभी ना रहो कि तुम जैसे हर दूसरे प्रॉब्लम पे अटक रहे हो. ऐसा लगे तो यू ट्राई टू फाइंड अनदर रिसोर्स, मतलब अनदर प्रॉब्लम सेट जहाँ पे और ज्यादा इजी हो प्रॉब्लम्स, तो उनको सॉल्व करो. थोड़ा जब प्रैक्टिस बन जाए तब यहाँ पे वापस. सही मतलब लेवल वाइज चलो ताकि तुम साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी सीखते रहो और तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहे. पहले स्टेट लेवल पे खेलना है फिर नेशनल लेवल पे खेलना है, ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाओगे तो सीधा आउट जीरो पे. सही. अब रिसेंटली क्या हुआ था, उत्कर्ष को गूगल ने अप्रोच किया था फॉर एन इंटरव्यू एंड उसने क्रैक कर लिया एंड ही इज गोइंग टू बी अ एसडीई एट गूगल इंडिया अभी नेक्स्ट ईयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड अब यार ये बता कि गूगल ने अप्रोच कैसे किया, मतलब क्या पूरा सीन क्या था, क्यों अप्रोच किया, कैसे किया, उस सब के बारे में थोड़ा बताओ. So before moving forward, there is a message from today's video sponsor, Coding Ninjas. Ab yaar 20% off ka link in the description, do check it out. Agar tumko course wagera lena hai to sabse maximum discount hai jo tumhe mil sakta hai. Uske alawa yaar, if you don't know about Coding Ninjas, Coding Ninjas is one of the largest coding educational platforms in India. Yahan pe tumhe bahut tarike ke courses mil jate hain, Android development, web development, machine learning, data structures in C++, Java, Python. एंड यार यहाँ के जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे IIT एंड स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है, तो कोर्स काफ़ी बढ़िया है. उसके अलावा यार मैंने सेकेंड ईयर में अपना कोर्स जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स का किया था वो यहीं से किया था. एंड यहाँ पे 200+ हिंट वीडियोज़ हैं C++ वाले कोर्स में. तो यार अगर तुम कहीं पर अटकते हो, जो जनरली होता है कि तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो तुम हिंट वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो. और उसके बाद भी नहीं होता तो यार TA सपोर्ट तो है ही, 3-4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं. सो 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो जो गूगल मतलब जो लोगों को अप्रोच करता है तो उसमें मतलब पहले तो क्या होता है कि उनके पास जो इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनके बेसिस पे वो अप्रोच करते हैं. तो अब इंटरनल रिकॉर्ड्स में आपका अगर ईमेल हो तो कैसे होगा इंटरनल रिकॉर्ड्स में, तो उसमें मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मतलब कोई भी उनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो अगर उसमें कभी पार्टिसिपेट किया हो, जैसे कोडजेम हो गया, किकस्टार्ट हो गया, ये सब भी CPK कॉम्पिटिशन्स हैं. इसके अलावा कभी कभी कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें भी अगर पार्टिसिपेट किया हो तो देयर इज अ लिटिल बिट चांस कि यू कैन गेट कॉन्टेक्टेड. बट जो कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें अगर रैंक अच्छी हो, जैसे कि मेरी रैंक्स रही हैं ऑल इंडिया टॉप 3 में 4 बार रह चुकी हैं इस साल, और तो ये सब चीज़ें अगर उनमें रैंक अच्छी हो, इतनी भी अच्छी ना हो, अगर लाइक टॉप 100, 200, 500 में भी हो, तो देयर इज सम चांस कि उसके बेसिस पे दे कैन कॉन्टैक्ट यू. एंड तो इससे मतलब एक आता है, एक मेल आ सकता है आपके पास कि मतलब आपको इंटरव्यू दे लीजिए, रेज्यूमे भेज दीजिए, तो इस तरह का हो सकता है. तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब जब ये मेल आ गया उसके बाद रेज्यूमे उनको भेज दिया, उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो अब है कि क्या रोल था CP का इसके आगे. तो यहाँ पे एक ये होता है कि जैसे मतलब कई मतलब जैसे मतलब LinkedIn वगैरह पे मुझे बहुत मैसेज आते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि भैया मेरा इंटरव्यू है 2 हफ्ते बाद, तो भैया मैं क्या पढ़ाई करूं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई लोगों ने पूछा भी होगा ऐसा किसी ना किसी से. बट मेरे साथ क्या था कि जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, अराउंड 15 डेज लेटर शेड्यूल हुआ इंटरव्यू, ठीक है, और मुझे मतलब अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आराम से नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, Brooklyn 99 देख रहा हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स रिवॉच कर रहा हूँ, कजिन की एंगेजमेंट है वहाँ जा रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने एक भी सेकंड नहीं पढ़ाई करी और मैं मतलब गया उसमें गूगल के इंटरव्यू में, और मतलब हो गए सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब CP कर रखी है तो वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. और हाँ, और बस CS फंडामेंटल वगैरह पूछते नहीं गूगल वाले, मतलब OSDBMS ये सब नहीं पूछते गूगल वाले, और कंपनीज वाले पूछते हैं, गूगल नहीं पूछती. तो वो भी मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, तो और ऑन कैंपस प्लेसमेंट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना पड़ा. तो मतलब मैंने तो मतलब प्लेसमेंट के लिए कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं, फिर इतना मेरे जो CP की जो नॉलेज थी उससे फायदा हुआ. सही. तो यार अब तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो पूरी वीडियो देखने के बाद ना एक LinkedIn पे पोस्ट जरूर शेयर करना कि तुम्हें पूरी वीडियो में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, एंड हम दोनों का एक स्क्रीनशॉट जरूर डाल देना. ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब उत्कर्ष, नेक्स्ट चीज है कि व्हाई डू यू से कि अगर कोई बंदा कॉलेज में अभी, तो उसको CP एक ना एक बार जरूर ट्राई कर लेनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है इसके लिए? CP एक ना एक बार ट्राई करने का, तो जो कॉलेज में जैसे काफी सारी चीजें होती हैं, कॉलेज में घुस के बहुत कुछ कर सकता है कोई, मतलब फुटबॉल खेल सकता है, गेम्स बना सकता है, अपना वेबसाइट बना सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कोडिंग में हो, किसी भी चीज में हो, बहुत सारी चीजें हैं. बट उसमें क्या होता है कि एक गोल जो होता है वो क्लियर होता है, चाहे कभी कुछ ना किया हो, बट एक मतलब समझ में आता है कि ये चीज क्या हो रही है. जैसे अगर फोटोग्राफी है, मैंने कभी नहीं करी बट मुझे पता है कि फोटोग्राफी होती क्या है. ऐसा चीज CP के लिए नहीं कह सकते, जिसने आज तक CP नहीं करी
उसको नहीं पता है सीपी क्या हो रही है, उन्हें कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, किस चीज का कोड लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नहीं पता होता है ये चीज। तो इसलिए आई वुड से कि अगर मतलब अगर उसको मतलब अगर उसको ट्राई देना हो, जैसे मतलब मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मुझे देख के भी नहीं लगता है कि हाँ ये खेलना मुझे पसंद आएगा, तो आई कैन डिसाइड कि हाँ मुझे फुटबॉल नहीं पसंद है। बट सीपी में ऐसा है कि यू कैन नॉट डिसाइड कि इट वॉन्ट बी एडवांटेजियस टू यू, या फिर यू वॉन्ट लाइक इट, या फिर इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल टू यू। तो मतलब ये सब चीजें यू कैन नॉट डिसाइड अनलेस यू हैव ट्राइड इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट, एट लीस्ट मतलब एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता ट्राई करो, तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी कि मतलब ये तुम्हारे काम की है भी कि नहीं, क्योंकि मतलब क्योंकि वो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी हो जाती है, नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है, जिसने कभी करी ना हो। मतलब ये हर चीज के लिए है, अगर तुम कॉलेज में कोई चीज ट्राई करना चाह रहे हो तो कर लो, मतलब ये तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि यार ये तो कर लेता, अब वो ये चीज तुम्हारे स्पेशली फर्स्ट ईयर के अगर बच्चे हो, अगर स्पेशली फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकंड ईयर के हो, तो तुम्हारे बहुत टाइम है। मतलब अगर अगर मान लो कि तुम्हारे तुम नहीं भी सीख पा रहे हो, तो भी अभी फर्स्ट ईयर का तुम्हारा एक महीना अगर तुम्हारा मान लो वेस्ट भी हो गया, तो क्या क्या चला गया फर्स्ट ईयर का एक महीना क्या होता है। फोर्थ ईयर में तब तो फिर तुम्हें थोड़ा रिस्क भी है कि हाँ करा नहीं फायदा हुआ तो क्या होगा भाई, मतलब प्लेसमेंट में दिक्कत आ जाएगी या फिर क्या फायदा है इस चीज का। तो वो कोई पॉइंट नहीं, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारे पास अभी पूरे चार साल बचे हुए हैं, तो फिर ट्राई करना सबसे ट्राई करना सही है, ओपन सोर्स ट्राई करना, ओपन सोर्स ट्राई करो, सीपी ट्राई करना, सीपी ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो भाई, और जो तुम्हें सही लगे फिर वो फॉलो करो। ऐसे मतलब किसी का भी सुन के यार ये भैया बोल रहे हैं कि सीपी कर लो, सीपी में ही फ्यूचर है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये भैया बोल रहे हैं ओपन सोर्स कर लो, ओपन सोर्स में फ्यूचर है भाई, फ्यूचर सब चीजों में है, ठीक है, जो तुम अच्छे से कर लोगे ना, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम उससे निकाल लोगे, वो कंफर्म है। बट इससे मुझे वो याद आता है, वो श्री इडियट वाली लाइन नहीं देखी, मतलब काबिल बनो, कामयाबी अपने आप में झक मार के पीछे आएगी। एग्जैक्टली, मतलब वो चीज है कि मतलब सब करो या मशीन लर्निंग करके देख लो, तुम अपना डेवलपमेंट करके देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको अच्छे से करो, एकदम मतलब एक टाइम डिवोट करो उसको और डेडिकेशन के साथ करो। जब तुम उस पे एक लेवल पे पहुंच जाओगे, तो मतलब कंपनी पे तुमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही आएंगे, कहेंगे प्लीज हमारे यहाँ काम कर लो, हमें जरूरत है तुम्हारी, तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली। अब लास्ट क्वेश्चन यार फाइनल, कि कैसा लग रहा है एक रेड कोडर होने के बाद, ग्रैंड मास्टर एट कोड फोर्सेस, सेवन स्टार एट कोडशेफ, बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब इंडिया से काफी कम लोग हैं, उनमें से वन ऑफ द टॉप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स इन इंडिया, तो वो जर्नी कैसी थी एंड अब कैसा फील होता है? तो अब कैसा फील होता है ये पहले बताता हूँ, कि मतलब जो लोग को नहीं पता है उन लोगों के सामने तो मतलब कि कोई वो नहीं है, कि मतलब उनको पता ही नहीं क्या कर रहा है इसने। हाँ। लेकिन जिनको पता होता है उनके सामने मतलब एक काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बन जाती है, कि मतलब वो एक जो नाम होता है उसमें जो कलर लिखा रहता है रेड, तो उसको देख के मतलब ऑटोमेटिक एक रिस्पेक्ट है, कि मतलब अब मैं कुछ भी बोलूंगा, मान लो कोड फोर्सेस पे कमेंट लिखा तो लोग सीरियसली लेंगे ही लेंगे, चाहे मैं एकदम फालतू का जोक कर रहा हूँ, और रेड कोडर देख लेते हैं लिंक्डइन वाले बायो में, तो मतलब अब सब तरह की चीजें पूछते हैं मुझसे। मैं कॉलेज में हूँ अभी, लोग जो है 3 साल से जॉब कर रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्वालिटी टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मूव करना है, तो क्या कोई स्कोप है कि नहीं। मुझे क्या पता कि स्कोप है कि नहीं है, लेकिन मतलब ये रिस्पेक्ट बन गई है। तो ये चीजें होती हैं। अब जो क्वेश्चन ये था कि मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये कि मोटिवेशन कैसे रहा और फिर मतलब एक्चुअली किया कैसे। ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए एक तो ये चीज होती है कि एक पॉजिटिव लूप बन जाता है, कि मतलब जैसे कोई अचीवमेंट हुई तो उससे जो लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो कई बार लगता है कि हाँ और करें तो और बढ़िया रहेगा, तो एक तो ये चीज होती है। और दूसरी चीज मैंने मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए किया कि हमेशा मैंने अपने आप को अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको मतलब थोड़ा इस तरह का रखा कि वो भी मतलब थोड़े आसपास मेरे लेवल के रहें, कि वरना क्या होता है ना कि मतलब जैसे अगर तुम मान लो ब्लू पहुंच गए कोड फोर्सेस पे और तुम दिख रहे हो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ग्रे हैं, तो तुमको लगेगा तुमने ऑलरेडी बहुत मचा लिया। तो मतलब ऐसा करना चाहिए कि तुम भले ही मतलब ऑनलाइन ढूंढो या कुछ लोग ऐसे अपने दोस्त बनाओ कि तुम अगर ब्लू हो तो वो भी ब्लू हो, जिससे तुमको कभी ये ना लगे कि हाँ मैं बहुत ज्यादा मचा चुका हूँ। ठीक है, तुमको हमेशा खुद को पुश करने के लिए लगता रहना चाहिए कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो ये मेरी हमेशा मोटिवेशन की एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है, कि मैंने हमेशा मतलब अपने नियर लेवल वाले लोगों को आसपास रखा। अब जो है कि मतलब कैसे एक्चुअली पहुंचे, तो इसमें होता है कि एक तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डेडिकेशन चाहिए, इतने मतलब किसी भी चीज़ में अगर टॉप 5 तुम्हें पहुंचना हो इंडिया में तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डेडिकेशन चाहिए। तो आई वुड से मैंने एटलीस्ट 2.5-3 साल मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियसली डिवोट किए हैं 2.5-3 साल कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को। और इसमें भी है कि इट्स नॉट लाइक कि बस तुमने कोई आर्टिकल है उसको पढ़ लिया, उसको याद कर लिया कोई एल्गोरिथम, इन दिस वे यू कैन नॉट एडवांस टू अ मच फर्दर लेवल। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं, मैं कहूं कि 2+2 कितना होता है, तो अगर तुम ना भी चाहो कि मेरा आंसर करो तो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि 4 होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज होती है कॉमन सेंस। तो हम लोगों ने मुश्किल से मुश्किल चीजें इतनी अच्छे से पढ़ रखी हैं कि मतलब कोई अगर बताएगी हाँ एक ट्री है उसमें एजेस का वेट चेंज कर रहे हैं और मिनिमम निकालना है पांच में, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ हैवी लाइट डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है।
और नॉर्मल लोगों को ये इतनी मुश्किल लगती है चीज, दिस इज लाइक अ वेरी टफ थिंग. आई डोंट थिंक कि 200-300 लोगों से ज्यादा आता होगा इंडिया में, बट मुझे वो इतनी ऑब्वियस है अब कि मुझे मतलब सुनते ही आ जाएगा दिमाग में, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से उसको पढ़ रखा है. और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले दिन पढ़ते ही मुझे आ गया था, मतलब मैंने जब पहली बार आर्टिकल पढ़ा इसी चीज का, मुझे इतना डरावना लगा मैंने बंद कर दिया. मुझे मतलब जीएफजी का आर्टिकल था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मतलब पता नहीं क्या था वो. बट वही है कि 2-3 महीने बाद दोबारा पढ़ा, फिर नहीं समझ में आया, 3-4 महीने बाद फिर पढ़ा उसको, मतलब डिटेल में पढ़ा और जगह से पढ़ा और एक आध मतलब वीडियोस भी देखी, तो मतलब उसको अच्छे से समझा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी, फिर पढ़ा, तो उनको फाइनली मतलब उसको इतना ज़्यादा एक कॉमन सेंस बना लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 साल बाद अगर मैं सब भूल जाऊँ कि मेरे दोस्तों के नाम क्या थे, कैसे क्या था, तब भी मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ के इतने ज़्यादा अच्छे से समझ रखा है. तो ये सीक्रेट होता है, जो लोग पूछते हैं कि रेड पहुंचने का सीक्रेट क्या है, तो वो ये सीक्रेट होता है कि मतलब जितनी भी चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं उनको याद मत करो, उनको मतलब कहीं लिख के मतलब रखो, नोट्स मत बनाओ, ये सब कुछ नहीं करना है. इतने अच्छे से उसको समझ लो कि मतलब यू फाइंड इट हार्ड टू फॉरगेट कि कैसे इसको भूल जाए, इतनी ज्यादा ऑब्वियस चीज है. ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, ये वाला कॉन्फिडेंस कि दोस्तों के नाम भूल जाओ, लोगों के नाम भूल जाओ, बट ये नहीं भूलूंगा मैं, ये कॉन्सेप्ट. ऑब्वियसली अब ऐसे देखो कि एलकेजी में आपके जो दोस्त रहे होंगे आपको किसी का नाम नहीं याद होगा, लेकिन टेबल्स सब याद है, एडिशन सब याद है, एबीसीडी सब याद है, ऐसा है कि उस लेवल की प्रैक्टिस और उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बढ़िया यार, बढ़िया. तो काफी सारी इनसाइट्स दी है यार उत्कर्ष ने हमें. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, काफी ज्यादा उत्कर्ष का भी एक चैनल है जिसपे इसने अभी डीएसए पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी 3-4 लेक्चर्स डाले हैं और अभी पूरी सीरीज बनाई गई है. अब तुम खुद सोचो, जो बंदा इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट को कह रहा है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा वही आ रहा है, तो अगर ये पूरी स्टार्टिंग से पढ़ा रहा होगा तो क्या सही पढ़ाएगा. सो डू चेक इट आउट हिज चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ये टैग्ड भी होगा. लोग लगते हैं कि जो मतलब कोई रेड कोडर है तो उसका ऐसा है कि उसने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी, बहुत सारी मुश्किल मुश्किल चीजें कर रखी, हमारे तो काम की नहीं है. बट ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि पढ़ तो कोई भी सकता है यार, मतलब सब आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, सब पढ़ लो. तो इसका मतलब एक लेवल पे पहुंचने की जो चीज होती है कि तुम्हारे जो मतलब जो बहुत ज्यादा एकदम बेसिक्स होते हैं, एकदम फंडामेंटल होते हैं, वो जब एकदम स्ट्रांग होंगे तभी यू कैन एडवांस टू दैट लेवल. मतलब उसके बाद वरना आर्टिकल पढ़ लो कुछ समझ ही नहीं आएगा अनलेस तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो. तो ये चीज मुझे ऐसी लगती है कि मेरे जो बेसिक्स हैं या कोई भी जो मतलब मेरे लेवल का कोई भी कोडर अगर हो, उसके जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं. तो हमारा जो कोर्स होगा, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी रिकर्जन, तो उसकी वीडियो में तुम लोग जाके अगर कमेंट देखोगे तो उसमें लोगों ने लिख रखा है कि हम 4-5 वीडियो देख चुके हैं, बट ये जो चीज मैंने एक बताई, मतलब मैंने उसमें एक चीज बताई कि कैसे सोचते हैं रिकर्जन, तो वो चीज और उन्होंने कहीं नहीं देखी. और ये एक रीजन है, मैं कहूंगा कि मैं इसीलिए इतना आगे निकल पाया क्योंकि मैंने वो चीज बहुत जल्दी रियलाइज कर ली थी जो मैंने पढ़ाई, इट्स कॉल्ड रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ. तो मैंने वो जो पढ़ाई वो मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर रखी थी और वो इतना ज्यादा मुझे क्लियर था कि मुझे हमेशा काम आता रहा. तो मैं उस तरह पढ़ाऊंगा कि हमारे बेसिक्स हमेशा क्लियर होते चाहिए. और रिकर्जन यार एक ऐसी चीज है ना कि अगर तुम्हें वो ढंग से आ गई ना तो फिर तो बस आगे सब बस बैठ जाओ भाई, आराम से हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ग्राफ हो गया, तुम्हारी डीपी हो गई, बैक ट्रैकिंग हो गई, सब हो गया, सब हो गया भाई, सब हो गया. मतलब रिकर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो देख लेना जाके अभी. तो थैंक यू सो मच यार उत्कर्ष फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफी मजा आया तुमसे बात करके, ऐसे ही कभी और मिलते हैं. अरे मतलब थैंक यू, तुम्हें बोलना चाहिए कितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे अभी. चल बढ़िया है, चलो बाय, मिलते हैं. थैंक्स अ लॉट, बाय. ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो उत्कर्ष का तुम चैनल जाके जरूर चेकआउट करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.